वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCA रिवाइज्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 BCA 053 वेब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट द HTML कोड डेट विल क्रिएट अ फॉर्म टू इनपुट यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। और ये आपका 3 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको, केवल आपको HTML कोड लिखना है और किसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करना है, और उसमें आपकी दो फील्ड मांगी गई हैं, एक तो यूजर नेम के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए। आप इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर बना सकते हैं। हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाले हैं वो है आपका सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ताकि आपका टाइम सेव हो सके, राइट। तो सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर्म .html, राइट। अब जैसे ही आप एस टाइप करेंगे तो यहां पर HTML लिख के आ जाएगा, आप इस पर एंटर कर देंगे तो आपको ये टेम्पलेट बन के आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्म टैग का, राइट। फिर चाहे तो हम इसमें नॉर्मल फील्ड बना लें और चाहे तो हम इसमें टेबल के थ्रू फील्ड बना सकते हैं, राइट। तो वो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेबल टैग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और टेबल में आपकी TR आ जाएगी, ठीक है। दो फील्ड बनानी होंगी हमें, तो हमें क्या करेंगे, TD टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे यूज़र नेम, राइट, और एक दूसरा TD बना लेंगे जिसमें हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेंगे, राइट। और नाम देना चाहे नाम दे दीजिए, यू नेम। अब इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहां पर पेस्ट कर ले रहे हैं, और यहां पर दे देते हैं पासवर्ड, और चाहे तो आप यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पासवर्ड ले सकते हैं, राइट। और यहां पर कर दीजिए यू पास, यूजर का पासवर्ड, राइट। अच्छा, फिर यहां पर एक और TR टैग का यूज कर लीजिए, और फिर यहां पर TD टैग का यूज कर लीजिए, लेकिन अब की बार यहां पर कॉल स्पैन यूज कर लीजिए, कॉल स्पैन 2, राइट। यानी कि हमें दो कॉलम को मर्ज करना है, और यहां पर इनपुट टाइप सबमिट लिख लीजिए, नेम जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, सबमिट लिख लीजिए, और वैल्यू जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं बटन के ऊपर, रजिस्टर लिख लीजिए सपोज। फॉर्म को सेव कर लीजिए और राइट क्लिक करके देख लीजिए कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है वेब ब्राउज़र पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा, आप चाहें तो टेबल में बॉर्डर भी लगा सकते हैं, राइट। बॉर्डर 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए सेव करने के बाद, तो देखिए बॉर्डर भी आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।